ले जी ब्रेडिंग सेटअप पे हाजिर हुए हैं शानी भाई, हमारे साथ मौजूद हैं शानी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सब भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। शानी भाई आपका चैनल माशाल्लाह मोनेटाइज हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बड़े अच्छे व्यू आ रहे हैं और मैंने पास देखा था माशाल्लाह बड़े अच्छे पैसे से बन रहे हैं आपके, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। और ये बताएं पेंशन आई कि नहीं आई अभी? नहीं वसीम भाई, ये पहले तो सब भाइयों की का ये मोहब्बत है, जी जी मोहब्बत है, जिन्हें भाई देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं उन्हें सलूट है जी। सही उन्हीं की मोहब्बत से जो है ना ये यादगार हम पहुंचे हैं और हमारी कोशिश होती है कि शौक अच्छे से अच्छा दिखाएं वसीम भाई। सही है, आज क्या दिखा रहे हैं हमारे दोस्तों को आप? आज इंशाल्लाह वसीम भाई मैंने पीछे वीडियो बनाई थी सिर्फ कबूतरों की, जो मैंने ब्रीड बनाई थी उस ब्रीड में मैंने क्या इस्तेमाल किया जो मैं भाइयों को उनका शो करवाऊंगा। जी जी बताएं जरा दिखाएं। क्योंकि पहले जो है ना मैं आपको सिलेटी मारी का शो करवाता हूँ, इसका जाक लगा रहे हैं। हाँ इसका साथ जाक लगाया, और ये क्यों लगाया हमें तो पता वसीम भाई, हम उड़ाने वाले शौकीन। सही सही, अब हमारे दोस्तों की बताना कि इसकी क्या वजह की सिलेटे के साथ आपने जाक क्यों लगाया है और उसके जो बच्चे आएंगे वो क्या आए आपके पास? ये वसीम भाई ये भी इसकी बहन भाई भी शाम तक लुड़े मेरे पास। अच्छा ये बहन है, इसे रंग लगाओ। सही ये चेतन में अक्सर रात रहते हैं। अच्छा अक्सर रात रहते हैं। और ये जो ब्रीड है ना ये बुलंदी बहुत करते हैं, और ये ब्रीड है उस्ताद शफकत और सरदार गोगा, उनके कबूतर जो सामने बहुत फिरते हैं। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही है, तो वो माल वाले ना? हाँ जी माल वाले, अपर माल वाले। वो ब्रीड अपनी में बहुत अच्छे हैं, वो इंडियन ब्रीड है। सही यानी कि वो इंडिया से आए थे कबूतर। अच्छा अच्छा ठीक है। ये इलाके जो है ना ये हमारे पास तो नहीं, हमारे किसी दोस्त ने हमें कबूतर दिया था, उसी से हमने ये सारा कुछ किया। इनके बहन भाई अक्सर रात ही रहते हैं। सही सही अक्सर रात रहते हैं, ये नहीं कि नहीं, ये भी दो दफ़ा रात रही मैंने जोड़े में डाल दी। मैंने कहा यार जो ना आपको पता है ये इलाका मेरा कैसा है। ऐसा ही है, शाम को पल्ले अंधेरे का लगा कबूतर भी नहीं बैठता। ऐसा ही है, सही ठीक है। तो इसमें आपके सामने कोई ना, तो हमने नीवी शीवी ये वो फलाना डींगना, तो अगर नीवी वाले अगर इसमें हम फर डाल दें तो यही कबूतर अंधेरे में बैठना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो है ना आपको पता है कि लाहौर के असूलों के मुताबिक उन्होंने कहा जी मानी कुरानी। ऐसा ही है, सही है। तो मानी कुरानी की इसमें किसी कबूतर का कोई भी नीवी वाला फर नहीं है। सही 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 ठीक है ना, ये बात होती है। बकाया इसमें आपको मैंने बता दिया ये बुलंदी बहुत ज़्यादा करते हैं और निकलते शाम के टाइम है, यानी कि लगा ले चार बजे पाँच बजे निकलते हैं और सामने फिर जाते हैं। वो अक्सर कबूतर हमारा सामने फिरते थे। सही सही इनकी भी पठी पठे शाम तक बैठे हैं, ऊपर भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा वो मादी पहले मैंने उसके साथ टैरी मादी लगाई थी, टैरी चीनी मादी। ये जाक कबूतर है जी, नारे हैं मादी, ये मादी लगाई थी वसीम भाई। इसकी इसका शौक आते हैं अभी आपको दिखाते हैं। इसकी आइज देखें, ये दो में आंख और होगी और जो है जो है ना साय में उसकी आंख और होगी। ऐसा ही है, सही है। क्यों चेक करें दोस्तों उसकी आंख की, जैसी मुँह नोक है वैसे ही उसकी, वैसे ही पलक है, वैसे ही कलर है, वैसे ही पंजे भी होंगे ना। हाँ जी नेल भी ऐसे ही होंगे, नाखून भी इसके। वो कहते हैं ना कि माँ का बड़ा किरदार है, बाप अनपढ़ भी हो ना तो माँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बच्चे तभी पढ़ेंगे। अगर माँ अनपढ़ है ना तो बाप पढ़ा लिखा हो तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। 100 में 2, 4, 5, 7 बच्चे पढ़ेंगे और 90% जो है ना वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये अच्छा। पढ़ी लिखी बात है। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, आपने तो बड़ी बहुत बड़ी बात कर दी है वसीम भाई। आप जहाँ पे माशाल्लाह बड़े उस्तादों के पास भी जाएंगे ना तो इंशाल्लाह यही आपको जवाब मिलेगा। ऐसा ही है, सही है। अब इसकी दुम देख लें। ठीक ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैंने उससे बेहतरीन पट्टी लगाई है, बगैर अल्लाह पाक खैर करे अभी लगाई है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो ज़रूर आपको बुला के इंशाल्लाह इसी तरह जो है ना दिखाएंगे भी। देखो सही है, सही है। देखो टैरी फ्लोज बड़ी सारी यहाँ पे मौजूद है। ऐसा ही है, ये क्वालिटी वो है कि हम लोग इन्हें भूल गए हैं। जब से गोल्डन टैरी आए ना दुकानदारी शुरू हो गई है। ऐसा ही है, सही है। तो ये शाम तक मेरे पास बैठे हैं, उसके बाद मैंने इन्हें क्लोज किया। यानी आप ऐसा कह सकें कि पहले आपने इसे चेक किया है, मादी को नर को चेक किया है, शाम तक आ रहे हैं, उसके बाद हमने इनका जोड़ा बना दिया है। अब जाहिर है जब ब्लड लाइन अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी अच्छे ही आएंगे इंशाल्लाह ने चाहे तो। जी बिल्कुल, ये देख लें जी, कुछ दोस्त कहते थे कि उड़ने वाला कबूतर वाइब्रेट करेगा, ये आपके सामने ही वाइब्रेट कर रही है। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही है। तो ये देखें, ये अभी पट्टी है पहले तो आगे की वसीम भाई। अच्छा। ये इसके पंजे हैं, ये देखें जी पंजे भी इसके वैसे ही हैं, नाखून यानी के नाखून सही है। हमारी पंजों में ये तुम देख रहे जी, वैसे एक दम हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वसीम भाई। अच्छा सिंगल पता तुम्हारे से। ठीक है जी, अब आपको कबूतर का शो करवा दो। सही अच्छा कबूतर का साइज थोड़ा सा बड़ा रखा। हाँ दोस्तों ये बात बड़े पते की बात है और इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि अगर आपका नर जम्बू साइज़ का है तो मादी आप थोड़ी हल्की साइज़ की लगाएं, हल्की उम्र के साथ साथ हल्की समझ की भी हो,
अब देखें जी, इसकी दुम बड़ी थी, ऐसा ही है, बड़ी है, बड़ी है। और मेंटेन करने के लिए मैंने इसके साथ मादी वो लगाई है कि बच्चे जो है ना प्रॉपर सही निकले। ये नर भी बड़ा होगा, मादी भी बड़ी होगी, तो बच्चे भी बड़े बड़े आएंगे। मेंटेन करने के लिए लाहौर में दरमियाना साइज चलता है वसीम भाई, दरमियाना साइज चलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। ये देखें जी, राख कबूतर, ठीक है। ये इसका दूसरा कुंदा, लोग तरसते हैं खुदा की कसम इन कबूतरों को, ऐसा ही है। हमें उड़ाने का शौक, हमने कौन सी दुकानदारी करनी है, ऐसा ही है। हमारे पास होते हैं तो हम देते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम पहले ही कहते हैं कि यार नहीं। ये ले जी, धूप में गैस को ये ले वसीम, चेक करें दोस्तों। अदरवाइज मैं तो अपने चैनल में धूप में जो है ना शो करवाता ही नहीं हूँ। अच्छा यार, छाँव में शो करवाओ, मज़ा आए। सही, उसमें रिंग शिंग हर चीज़ आपको पता चलेगी, धूप में जो है ना आंख की शाइनिंग चली जाएगी। जरा करें साइड में, करें इसको इधर, किधर कर, इधर कर, इधर कर लें जी। पहले आपको धूप में शो कराया आपको, आप देखें ना अब धूप का रिजल्ट कैसा था, आप कैसा। ये ओरिजिनल हाल में आ गया, ये देखें जी, अब ये ओरिजिनल हाल में आ गया। अब कहने का मतलब पता क्या है, सही। अब वसीम भाई कहने का मतलब है ये होती है धोखाबाजी। इस तरह अब मैंने धूप में दिखाई इसकी आंख क्या थी, ऐसा ही है, सही है। अब मैंने छाँव में दिखाई इसकी आंख क्या थी, ऐसा ही है, सही है। ये होती है धोखाबाजी, छाँव में दिखाओ, अगर कोई लेने वाला होगा उसे पता चल जाएगा आंख कैसी है। अब धूप में दिखाई रिंग है, अगर बाद में आप कबूतर जैसे कबूतर है, ठीक है। अब आपके सामने ऑन रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो में आपकी आंख कैसी है और छाँव में आपकी आंख कैसी है, ये होती है धोखाबाजी के यार दोनों को दोस्तों को दिखाना जी, ये देखें जी क्या। नहीं यार, छाँव में दिखाओ, छाँव में जो है ना अगर किसी पास पे वापस जाएगा बिना तो वो देखेगा यार हाँ यही आंख थी। सही, ऐसा ही है, फर्क पड़ गया ना, ऐसा ही है। आप खुद ही देख लो। चलो जी शानी भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदा।